Assalamualaikum, नमस्ते जी, सात श्री अकाल, वेलकम बैक टू योर अन यूट्यूब चैनल। दिस इज मी साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वॉचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम देखने वाले हैं बेसिकली करण जो है, करण के जो एक तो सूर्य कवच था और उसके साथ साथ उनमें एक मतलब कि ये सुनने में आता है कि उनके अंदर एक आत्मा थी जो कि राक्षस की आत्मा थी, राक्षस था उनके अंदर। मतलब ये आज हम इसी से ही रिगार्डिंगली वीडियो देखेंगे। तो चलते हैं वीडियो को, देखते हैं कि ये एक्चुअली क्या कथा थी, क्या स्टोरी थी और कर्ण के बारे में। सूर्या का जो है वो पुत्र कहा जाता है और उनको सुरक्षा कवच भी दिया गया था। मतलब वो हमेशा उनके पास होता था जिससे वो हमेशा सेफ रहते थे। लेकिन उनके साथ एक राक्षस का भी हुआ करता था, मतलब कि ये सुनने में आता है। और चलते हैं वीडियो को, देखते हैं कि एक्चुअली क्या हुआ था और क्या रियलिटी है। सो वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो रिगार्डिंग महाभारत। तो आप लोग भी मेरे साथ पूरी वीडियो देखेंगे तो ही आपको आइडिया होगा और मुझे भी आइडिया होगा। तो आप लोग एंड में मुझे बताइएगा, अगर मुझे कुछ गलत समझ आए तो आप मुझे शेयर भी कर सकते हैं। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप ज्ञान मंथन में आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम आपको भगवान नर और नारायण की दुर्लभ कथा बतलाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देते हैं जानकारी कि भगवान श्री हरि विष्णु ने नर और नारायण का अवतार क्यों और कब लिया था। दोस्तों बहुत समय पहले एक असुर था दम्बोद्धव, उसने सूर्य देव की बड़ी कठोर तपस्या की। सूर्य देव जब प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए और उसे वरदान मांगने को कहा, तब उसने अमरत्व का वरदान सूर्यदेव से मांगा। सूर्यदेव ने कहा यह संभव नहीं है। तब उसने मांगा कि उसे 1000 दिव्य कवचों की सुरक्षा मिले, इनमें से एक भी कवच सिर्फ वही तोड़ सके जिसने 1000 वर्ष तपस्या की हो, और जैसे ही कोई एक भी कवच को तोड़े वह तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाए। सूर्यदेव बड़ी चिंतित हुए, वे इतना तो समझ ही पा रहे थे कि यह असुर इस वरदान का दुरुपयोग करेगा, किंतु उसकी तपस्या के आगे वे मजबूर थे। उन्होंने उसे यह वरदान दे दिया। इन कवचों से सुरक्षित होकर बाद में वही हुआ जिसका सूर्यदेव को डर था। दम्बोद्धव अपने सहस्त्र कवचों की शक्ति से अपने आप को अमर मानकर मनचाहे अत्याचार करने लगा। वह सहस्त्र कवच नाम से जाना जाने लगा। उधर सती जी के पिता दक्ष प्रजापति अपनी पुत्री मूर्ति का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म से किया। मूर्ति ने सहस्त्र कवच के बारे में सुना हुआ था और उन्होंने ही भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना की कि इसे खत्म करने के लिए वे पृथ्वी पर अवतरित हों। भगवान श्री विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो ऐसा ही करेंगे। समय कर्म बीता और एक दिन मूर्ति ने दो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया जिनके नाम हुए नर और नारायण। दोनों दो शरीर में होते हुए भी एक थे, दो शरीरों में एक आत्मा। भगवान श्री विष्णु ने एक साथ दो शरीरों में अर्थात नर और नारायण के रूप में पृथ्वी पर अवतरण किया था। दोनों भाई बड़े हुए। एक बार दम्बोद्धव ने एक पहाड़ी पर चढ़ाई कर दिया, तब उसने एक तेजस्वी मनुष्य को अपनी ओर आते देखा और भय का अनुभव उसने किया। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं नर हूँ और तुमसे युद्ध करने आया हूँ। भय होते हुए भी दम्बोद्धव ने हंसकर कहा, तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो, मेरा कवच सिर्फ वही तोड़ सकता है जिसने 1000 वर्षों का तप किया हो। नर ने हंसकर कहा, मैं और मेरा भाई नारायण एक ही हैं, वह मेरे बदले तप कर रहे हैं और मैं उनके बदले युद्ध कर रहा हूँ। युद्ध शुरू हुआ और सहस्त्र कवच को आश्चर्य होता रहा कि सच में ही नारायण के तप से नर की शक्ति बढ़ती चली जा रही थी। जैसे ही 1000 वर्ष का समय पूर्ण हुआ, नर ने सहस्त्र कवच का एक कवच तोड़ दिया, लेकिन सूर्यदेव के वरदान के अनुसार जैसे ही कवच टूटा नर मृत होकर जमीन पर गिर पड़े। सहस्त्र कवच ने सोचा कि चलो एक ही कवच टूटा, किंतु यह नर तो मर गया। तभी उसने देखा कि नर उसकी ओर दौड़े आ रहा है और वह चकित हो गया। अभी ही तो उसके सामने नर की मृत्यु हुई थी और अभी ही यह जीवित हो मेरी ओर कैसे दौड़ा रहा है। लेकिन फिर उसने देखा कि नर तो मृत पड़े हुए थे, यह तो हुबहु नर जैसे प्रतीत होते उनके भाई नारायण थे, जो दम्बोद्धव की तरफ नहीं बल्कि अपने भाई नर की तरफ दौड़ रहे थे। दम्बोद्धव ने अट्ठहास करते हुए नारायण से कहा कि तुम्हें अपने भाई को समझाने
दिखाना चाहिए था, इसने अपने प्राण व्यर्थ ही गवा दिए। नारायण शांति पूर्वक मुस्कुराए। उन्होंने नर के पास बैठकर कोई मंत्र पढ़ा और चमत्कारिक रूप से नर उठ बैठे। तब दम्बोदव की समझ में आया कि हजार वर्ष तक भगवान शिव शंकर की तपस्या करने से नारायण को महामृत्युंजय मंत्र की सिद्धि हुई है, जिससे वे अपने भाई को पुनर्जीवित कर सकते हैं। अब इस बार नारायण ने दम्बोदव को ललकारा और नर तपस्या में बैठे। हजार साल के युद्ध की तपस्या के बाद फिर एक कवच टूटा और नारायण की मृत्यु हो गई। फिर नर ने आकर नारायण को पुनर्जीवित कर दिया और यह चक्र फिर चलता रहा। इस तरह 999 बार युद्ध हुआ। एक भाई युद्ध करता, दूसरा तपस्या। हर बार पहले की मृत्यु पर दूसरा उसे पुनर्जीवित कर देता। जब 999 कवच टूट गए तो सहस्त्र कवच समझ गया कि अब मेरी मृत्यु हो जाएगी। तब वह युद्ध त्याग कर सूर्य लोक भाग कर सूर्य देव के शरणागत हुआ और नर और नारायण सहस्त्र कवच का पीछा करते हुए सूर्य लोक पहुँच गए और सूर्य देव से उसे सौंपने को कहा, किंतु अपने भक्त को सौंपने पर सूर्य देव राजी न हुए। तब नारायण ने अपने कमंडल से जल लेकर सूर्य देव को श्राप दे दिया कि आप असुर को उसके कर्म फल से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए आप भी इसके पापों के भागीदार हुए और आप भी इसके साथ जन्म लेंगे इसका कर्म फल भोगने के लिए। इसके साथ ही त्रेता युग समाप्त हुआ और द्वापर का प्रारंभ हुआ। कुछ समय के बाद कुंती जी ने अपने वरदान को जांचते हुए सूर्य देव का आवाहन किया और महारथी कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन बहुत से लोगों को यह आम तौर पर ज्ञात नहीं है कि कर्ण सिर्फ सूर्य पुत्र ही नहीं थे, बल्कि उनके भीतर सूर्य और दम्बोदव दोनों ही थे। जैसे नर और नारायण में दो शरीरों में एक ही आत्मा थी, उसी तरह कर्ण के एक शरीर में दो आत्माओं का वास था, सूर्य और सहस्त्र कवच। दूसरी ओर नर और नारायण इस बार अर्जुन और कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। कर्ण के भीतर जो सूर्य का अंश था वही उन्हें तेजस्वी वीर बनाता था, जबकि महारथी कर्ण के भीतर दम्बोधव दैत्य के होने से उनके कर्म फल उन्हें अनेकानेक अन्याय और अपमान मिलते हैं और उन्हें द्रौपदी का अपमान और ऐसे ही अपकर्म करने को प्रेरित करता है। यदि अर्जुन कर्ण का कवच तोड़ देते तो तुरंत ही उनकी मृत्यु हो जाती, इसलिए इंद्र ने उससे पहले ही महारथी कर्ण का कवच उनसे मांग कर ले गए थे। तो दोस्तों, यह थी कथा नर और नारायण की। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो फिर जुड़े रहिए आप हमारे इस चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद। हमारा आज का वीडियो, और इसमें आपने देखा किस तरह से कर्ण जो है वो बेसिकली एक मतलब कि वो सूर्य पुत्र मतलब कहलाते हैं, इसीलिए वो उनके पास सुरक्षा कवच भी हुआ करता था और वो सुरक्षा कवच एक बार उनसे उतरवा भी लिया गया था। और उसके बाद जो है वो कर्ण का, जहाँ तक मैंने महाभारत में देखा, तो कर्ण के साथ उसके बाद जो है वो उनके ऊपर मतलब कि उनकी लाइफ जो है वो डेंजर में आई और उसके बाद उनका देहांत हुआ, मतलब वध हो गया। खैर, ये तो वध हुआ था, अर्जुन के हाथों ही हुआ था, लेकिन उस टाइम पर कैसे हुआ था ये आपको भी पता है। अच्छा, सबसे मेन चीज़ जो है वो अब इसमें आती है, नर एंड नारायण, मतलब नारायण जो थे वो बेसिकली कृष्णा जी जो है वो थे, मतलब दूसरे जन्म में, पहले जन्म में जो थे वो नारायण और नर थे और फिर ये दोनों भाई थे, और दूसरे जन्म में जो है नर मतलब नारायण जो कि कृष्णा जी और उसके साथ जो है वो अर्जुन जो है वो थे नर, मतलब ये दोनों भाई हुआ करते थे। और जो है ना वो एक एक का जो है वो मतलब जैसे ही वो दुनिया से चला जाता था तो दूसरा तपस्या करता था, फिर इसी तरह से ये लोग एक दूसरे को मतलब कि वो फिर अगला जन्म लेकर आ जाते थे, नर आ जाता था फिर नारायण आ जाता था, इस तरह से एक भाई जिंदा रहता था तो उसके बाद जो है वो तपस्या ऐसे ही होती रहती थी। तो खैर, इससे ये मुझे आइडिया हुआ कि किस तरह से जो है वो नर और नारायण जो है वो पिछले जन्म में उन्होंने क्या क्या चीज़ें देखी और जो है वो जो है वो फिर दूसरे जन्म में वो किस तरह से आते हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो पिछले जन्म में
जितनी भी बुराइयां की हुई हैं, मतलब जितने भी गलतियां की होती हैं, जितना भी गुनाह किए होते हैं, या फिर जो भी उन्होंने अपना, वो कहते हैं ना, अपना अपना सब कुछ, जो भी उन्होंने गलतियां की होती हैं, उसका जो है वो उनको भुगतना पड़ता है। तो वही चीज इसमें भी हमने देखी कि कर्ण जो है उनको जो है वो इसी जन्म में, मतलब नेक्स्ट जन्म में जो है वो अपना जो है वो अपनी अपनी बुराई का जो है वो एंड उनका हुआ, और उन्होंने उसी का ही जो उन्होंने जो बोया था वो उनको मिल गया अगले जन्म में। सो इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट जो मुझे समझ आया, और इससे ये एक लेसन भी हमें मिलता है, क्योंकि हमेशा महाभारत और रामायण से हमें काफ़ी चीज़ें जानने को मिलती हैं जो कि बहुत ही अच्छी होती हैं। और मेरी नज़र में एक चीज़ ये है कि आपको जब भी कोई पॉजिटिव चीज़ मिलती है ना सुनने के लिए, और आपको लगता है कि आपकी लाइफ इससे बेस्ट हो सकती है, और लाइफ को अगर आपको पॉजिटिव वे में चलाने के लिए अगर इस तरह की कुछ समझ आती है, तो आई बिलीव कि आपको ये नहीं देखना चाहिए कि ये दूसरों के धर्म से है या अपने धर्म से है, हमें उसको फॉलो करना चाहिए, पिक करना चाहिए। अच्छी चीज़ें हमेशा हर जगह से पिक करनी चाहिए। तो महाभारत में मतलब यही है कि आप जो कर्म करोगे वो आपको भुगतना पड़ेगा, और वो दुनिया में ही आपने भुगतना है। जुल्म करोगे आपको दूसरे अगला जन्म लेकर आप आओगे, तो आपको भी वो उसी को भुगतना पड़ेगा। हमारे अंदर भी, हमारे यहाँ पर भी बेसिकली कॉन्सेप्ट है, और वो ये है कि आप कोई भी गुनाह करते हो या कुछ भी गलती कर लेते हो, मतलब आपने किसी को दुख दिया, तकलीफ दी, या फिर कुछ भी, वो इन रिटर्न आपको मिलता है। लेकिन हमारे में ये कॉन्सेप्ट नहीं है नेक्स्ट जन्म का, और हमारे में सिर्फ ये कॉन्सेप्ट होता है कि आने वाला वक्त, मतलब आफ्टर डेथ आपको, मतलब कि आप एक दिन होगा जिस दिन आप सब जो जिनकी डेथ हो गई वो उठ जाएंगे, तो फिर वो जो है उन सबका फिर हिसाब किताब होगा। लाइक जो अच्छे लोग होंगे उनको एक साइड पे किया जाएगा, जो बुरे होंगे उनको एक साइड पे किया जाएगा, तो उनके लिए है उनका फिर उस तरह से उनको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये एक इस तरह का कॉन्सेप्ट है हमें। और लेकिन जो आप पर्सनली कुछ गलत करते हो तो उसका आपको खामियाजा दुनिया में भी भुगतना होता है, और ये चीज़ एक्चुअली मैंने खुद भी लाइफ में देखी है कि आप कभी भी कुछ भी गलत करते हो ना, आपको फेस करना पड़ता है इन रिटर्न। तो आप कभी भी ये, हम सोचते हैं ना कि हम कुछ गलत करके हम भूल जाएंगे, हम कुछ भी करते हैं तो आने वाले वक्त में, मतलब कि वो हमने कर लिया तो कर लिया, हम किसी और को, मतलब कोई हमें नहीं वैसे कर सकता। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, हम लोग सिर्फ ये सोचते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब हमारे ऊपर वो चीज़ें रिटर्न आती हैं जो हमने अच्छा किया है, वो भी हमें उसके रिटर्न मिलता है। अगर हमने बुरा किया होता है वो भी मिलता है, बट उसका टाइम होता है, कुछ टाइम के बाद आपको वो फील होता है कि यार ये तो बात सही थी। तो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इससे यही एक चीज़ मुझे जो फील हुई वो ये कि इंसान को ना अच्छा चीज़ करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में अच्छी अच्छी चीज़ें करनी चाहिए। किसी को नुकसान पहुँचाना, किसी के लिए बुरा सोचना, या फिर किसी के साथ गलत करना, नाइंसाफी करना, आई थिंक ये आप जो कर रहे हो ना, तो ये माइंड में रखो कि आपने लाइफ में इन रिटर्न आपको भी फेस करना है, तो इससे बेहतर इंसान कुछ ऐसा करे ही ना। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा वीडियो लगा, काफ़ी अमेजिंग था, इंटरेस्टिंग था, बहुत कुछ जानने को भी मिलता है ऐसी चीज़ों से। तो आई बिलीव कि आने वाले वक्त में इस तरह की और भी वीडियोज हम देखेंगे, तो जानेंगे कुछ रियलिटी बेस्ड। एंड थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग मुझे इतनी अच्छी अच्छी वीडियो सजेस्ट करते हो कि मैं उस पर रिएक्शन देती हूँ, और आप लोगों को पसंद भी आती हैं। बस थोड़ा सा चैनल ग्रो हो जाए, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिले। एक्चुअली जब ग्रो नहीं होता तो मोटिवेशन नहीं मिलती, तो दिल थोड़ा सा दुख जाता है। एंड ऑल्सो मेरा एक व्लॉग चैनल भी है, साइम अपीयर्स इन द व्लॉग के नाम से, तो ज़रूर वॉच कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। मैंने अभी रिसेंटली हैदराबाद में अकेले में जाके व्लॉग रिकॉर्ड किया है, सो गाइज आपको बहुत अच्छा लगेगा। पाकिस्तान का हैदराबाद भी आप लोग देखें, इंडिया का हैदराबाद तो आपने देखा ही है, तो पाकिस्तान में भी देखेंगे पाकिस्तान का हैदराबाद कैसा है, तो उसका लिंक आपको नीचे व्लॉग मतलब कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा, सो जरूर वॉच कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।